ये सब्सक्राइबर की भी जो हमारी सेलिब्रेशन रह गई थी, हमने सोचा आज ईद के दिन ही कर लेते हैं अपनी ये सेलिब्रेशन भी। अस्सलामुअलैकुम गाइस, ईद मुबारक, गुड मॉर्निंग। इस बारिश के साथ, वो भी इतनी ठंडी ठंडी, पता नहीं किस तरह सब नमाज पढ़ने जाएंगे और खुद पे हो रहे हैं। एक घंटा रह गया नमाज में और इतनी मोटी मोटी बूंदें हैं ना कि बारिश की अलग से आपको नज़र आ रही होंगी वीडियो में, आएंगी। अभी तो मुझे दिखाई दे रही है और कचरा उठाने वाली गाड़ी भी आ गई है, उधर गायें कट रही है और इधर बारिश बरस रही है। यही बहुत ठंड है, बहुत ठंड है भाई, और काली घटाएं, ये बारिश रुकने वाली नहीं है। पता नहीं किस तरह सब नमाज पढ़ने जाएंगे। अब बस मैं जाने लगी हूँ नीचे और बनाने लगी हूँ शीर खुरमा। हम तो अपनी तैयारी रखे, मुझे तो बहुत कप कॉफी लग रही है यार, बहुत ज़्यादा। मेरे घर में नए मेहमान आए आज ईद वाले दिन सुबह सुबह। हसन को कबूतर मिल गया पालने के लिए, लेकिन ईद ही नहीं मिली भाई। और यहाँ सेवैया मेरी भून गई हैं। लौंग जुनाशा, ये चीनी का डब्बा खोलना बेटा। और इलायची डाल के मैंने इसको घी के अंदर जो है वो भून लिया। अभी अभी तो मैंने चीनी डाल के बंद करा है। डालो इसमें प्याली में, बस 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 बस। हाँ, दूध में मैंने डाल दी है चीनी, बस चीनी हो जाए। दूध हमने पहले ही बॉयल कर लिया था और ये जो है ना पतीला जो है ये काफ़ी हल्के उसका है, तो ये दूध नहीं जला है मेरा। दूध तो मेरा नीचे ही है, ये ऊपर से पतीला थोड़ा सा वो हो गया। मैंने अभी तेज़ आँच कर दी थी, दिमाग में नहीं था। और ये मेरे हस्बैंड ने इतने बड़े पतीले में, ये कोई 1.5 किलो के करीब दूध है, क्योंकि हमने कौन से किसी को इतना खिलाना है, खुद ही खाना है पीना है और नीचे देना है बस। तो ये चीनी मेल्ट हो गई होगी तकरीबन, तो अब मैं इसमें ये तड़का मार दूंगी सेवैयों का। अब ये सेवैयाँ जो हैं वो इसमें पकेंगी। फिर ये हमारी खीर तैयार हो जाएगी। इसमें मैं डालूँगी खोया, आधा खोया मैं इसमें पकते में डाल दूँगी, आधा ठंडा होने के बाद डालूँगी। और छुआरे और बादाम, पिस्ते तो नहीं, छुआरे बादाम और नारियल, ये मैं इसमें डालूँगी। और ये मेरा बेटा नमाज़ पढ़ के आ गया है। ईद मुबारक सबको मेरी तरफ से। और ये मेरे बेटे के कपड़े, और इसके पापा भी यही कलर के कपड़े पहनते, लेकिन दर्जी दुकान बंद करके भाग गया। टाइम पे इन दोनों के ऐसे ही थे, एक जैसे कपड़े थे, लेकिन जो है ना आप जाएंगे छत पे स्लोमो वगैरह बनाएंगे। और इनके अब्बा ने मेहरून कलर का पहनाया है उनको। और एंड टाइम पे हसन गया भी कि मैं अब इस दर्जी को नहीं छोड़ूंगा, अब तक के कपड़े नहीं दिए, तो वो दर्जी जो था वो भाई भाग चुका था। तो बस अब ये लोग नमाज़ पढ़ के आ गए हैं और हम जो हैं गटर नज़र आ रहा है हमारा, कोई बात नहीं, अब है घर में तो क्या कर सकते हैं। तो बस अब हम लोग, शीर हमारी बन रही है, बना के फिर हम लेटेंगे, लेकिन हम अभी तैयार नहीं होंगे, हम तैयार होंगे शाम में। और हम तो तैयार होकर ही मिलेंगे। हंजला मैं तो ऐसा मिले हैं खैर गले के, हम रोज बोलेंगे माँ बेटे दोनों। तैयार होके मिलती हैं बच्चियाँ, कोई बात नहीं, तैयार होकर दोबारा मिलेंगे। और बस अब मैंने इसमें खोया, बादाम, खोपरा और छुआरे सब डाल दिए। और मैं इसको थोड़ा सा पकाऊंगी दम पे लगा के, मतलब ढक्कन ढाँक के। और बस फिर ये रेडी है, फिर ये ठंडा हो जाएगा, तो मैं इसमें थोड़ा सा ठंडा खोया और ऐड कर दूंगी। और फिर ये डंडन आ डंडन हो जाएगा हमारा शीर खुरमा।
और भाई ये है मेरी हिंसा के कपड़े, ये इसकी है फ्रॉक, ये और ये इसकी चूड़ियाँ। बस अब मैं हिंसा को फटाफट से करती हूँ रेडी, फिर खुद होंगे रेडी। चलो भाई मानो आ जाओ। और ये हैं जी मेरे कपड़े, ये है मेरी चप्पल, ये चूड़ियाँ मैंने पहन ली हैं, और ये मेरा दुपट्टा, ये मेरी इयररिंग, और मैं बस फटाफट से रेडी होने के लिए जा रही हूँ। और मेरी मानो जो है वो तैयार हो रही है, उसने अभी धुलवाया नहीं है और कपड़े बदल रही है। और ये है हिंसा की ड्रेस है। और भाई अल्लाह अल्लाह करके हम रेडी हो चुके हैं। बस मेरा नेल पेंट रह गया है तो मैं वो लगा रही हूँ, और ये तार जो है ना ये शीशे पे आ रहा है। तो ये ड्रेस मैंने खुद स्टिच किया था, दुपट्टा मैं जो उस दिन लेकर आई थी ये वो है, और ये मेरा पूरा नीचे तक ये लुक है। बच्चियाँ भी तैयार हो गई हैं तो चलते हैं। कहाँ शीर कोरमा रेडी हुआ है, अभी मैं जाऊँगी नीचे शीर कोरमा लेके। और मुझे सामने जो है ना एक पार्टी में भी इनवाइट किया हुआ है, 4:30 की टाइमिंग थी, लेकिन देखे मैं जाती हूँ नहीं जाती हूँ। सोना मेरा ये रहा तैयार हो गया है। हिंसा सलाम कर लो मुन्ने सबको, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, ईद मुबारक। ऐसे बोलते हैं ईद मुबारक, सलाम तो करो। आधे होठों पे लिपस्टिक खुद से लगाई है, आधे गायब करे में काम नहीं करे हैं। पापा ने मुझे 2000 दिए, इतने सारे 2000 रुपए दिए पापा ने ईदी, वो तेरी खैर हो। मैं पाते नहीं है। क्या नहीं है पैसे? अच्छा पापा ने दिए भी हैं और ले भी लिए क्या वापस? तो चलो यार, ये देखो टावल इन लोगों ने यहीं छोड़ दिया है, चूड़ियों के कवर, शॉपर, सब चीज़ें यहीं पड़ी हुई हैं, बिखरी हुई हैं, क्योंकि हम लोग रेडी हो रहे थे। और अब मैं यहाँ बैठ के नेल पेंट लगाऊंगी अपने ये कलर का। हाँ रुक जाओ ना। और सब लोग छत पे आए हुए, और किसी का स्लोमो बन रहा है, किसी का शूट हो रहा है, और ये है कुछ मेरे भाई की लुक, और वो मेरा बेटा। ये जूनी जूनी दिखाओ, ये जूनी के कपड़े हैं। हंजला को आप लोग देख चुके हैं, वो ईशल है, उसका ब्लैक है, और ये मेरी मानो है, इसका वाइट है, और ये मैं हूँ। मैंने इसके साथ ये चप्पल ली थी, मेरी चप्पल। चल भाई 1 2 3 बेटा, ये मेरा बेटा, और ये मेरी छोटी मुन्ना, ये मेरी उससे बड़ा मुन्ना, और मेरा उससे बड़ा मुन्ना जो है ना वो वीडियो बना रहा है। तो ऐसा है, अब आप लोगों को सुकून हो गया होगा कि मेरा फेस रिवील हो गया, पूरी वीडियो जो है ना आपको मेरी फेस के साथ ही मिलेगी। क्यों मुन्ने, ये मेरा बड़ा प्यारा मुन्ना है। माशाल्लाह बोल दिएगा सब, माशाल्लाह माशाल्लाह से। हाँ नजर ना लगे भाई, मेरा बच्चा पहले भी बीमार पड़ गया था। और बस यार नशा ईशल नीचे आ भाई, ईदी दे रहा है नशा ईशल, भैयू ईदी दे रहा है। और ये भैयू को मिल गई है पापा से ईदी। बस आपका बहाने रखा है मुन्ने, और ये मेरा मुन्ना छाम करते हैं। इधर आगे करो, इधर आगे करो भाई को। अस्सलाम वालेकुम, जीते रहो बेटा, सदा खुश रहो, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। भाई ये मेरे बच्चे ने दिए मुझे ईदी। ये है ईशल, बाकी सब मिल चुके हैं, मैं हूँ सुम्मो। और ईशल आप कुछ बोलना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम सबको।
और ये मैंने निकाल ली है, शीर शीर हो गई थी हमारी रेडी सुबह ही, लेकिन हम अब लेके जा रहे हैं नीचे। चलो हिंजा चल रही है मुन्ना, इसके ऊपर ढक्कन ढाँक लो यार, गिर पड़ रही है एक तो। पहले इसको मैं ढकती हूँ फिर लेके जाती हूँ। और यहाँ पापा से मिल रही है ईशल को ईदी। अस्सलाम वालेकुम। तुम्हें मिल गई जुनैसा का तो वीडियो से पेट ही नहीं भर रहा। और ये मेरा पर्स पापा। कराची में तो ऐसे ईदी मिल रही होती ना, आना जाना है यहाँ वहाँ, लेकिन चल यार होता है। और हिंदा ना है, नहीं हम नीचे जा रहे हैं आंटी के, लाओ यार नीचे वाली आंटी के लिए ईदी के पैसे दो। हम लोग आए हुए हैं नीचे जोया के घर। जोया ने पहना है ये, जोया का मैं फेस नहीं दिखा रही, जोया ने ये पहना है। और यहाँ सब ये लोग बैठी हैं, जुनैशा और ये, और हिंजा मिठाई उठा उठा के खाए जा रही है, खाए जा रही है। दो तो तुमने निमटा दी है, दो तो तुम खा गई, खा लो और बस। और यहाँ से अभी हम लोग की प्लानिंग हो रही है, जिनके कल हमने मेहंदी लगाई थी उनके घर जाने की। भाई ईद तो मनानी है ना, क्या करें, निकलेंगे कहीं ना कहीं। अच्छा सही। अच्छा यहाँ बटना शुरू हो गई है ईदी। ये मेरा भाई नोट निकाल ला। हिंदुस्तान मामा ईदी बांट रहे, जल्दी आ जाओ। और मैंने डाल लिया भाई अपने मुंह में पान। चलो नंबर वन पे कौन है, सबसे छोटा हिंजा, बड़े से शुरू होता है। हिंजा हमारे घर की बड़ी है। आ मुन्ने कहाँ है मेरे, मुन्ना आ गया, मुन्ना आ जाओ। हिंजा ना आंटी में जाके कहती है कि बस पढ़ जा जा, ईदी मिल ली है। सलाम करो, सलाम करो, सलाम करो पहले। वालेकुम अस्सलाम। चलो अभी शलवाजी की बारी। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक मेरे मामू को ढेर सारा पैसा दे। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जितनी बच्चियों को उतनी बहन को। ये क्या बात हुई, जितनी बहन बच्चियों को दे रहे हो उतनी बहन को दे रहे हो यार। एक नोट और कराओ। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। अब मानिए ईद दूसरी ईद आसान मामा के भाई, मैं जैसे और तो कोई है नहीं है, यही मेरा भाई है इस वक्त। मुझे इससे ईद मिल गई है। सारी ईद इकट्ठा हो। हिंजा कैसे मांग रही है, हिंजा पापा से ईदी मांग रही, मांग रही हो वाले सलाम वाले ईदी तो सलाम, मुझे भी ईदी दें पापा। ओ हिंजा को, सबको हिंजा इतने बड़े बड़े नोट मिले, इतनी सारी, सलाम कौन करेगा पापा को। ओ मेरा बच्चा हाथ झूम रहा है पापा का। चलो आ जाओ, ऐसे लेते हैं बेटा ईदी, देखो उसको इतनी सी को मैंने पता है। वाले लगी हूं। और हम लोग निकले हैं बाहर, जा रहे हैं जोया की आंटी के घर, जिनके कल हमने मेहंदी लगाई थी उनके घर जा रहे हैं। और ना ये मेरी गोद में टंग गई है बदतमीजन। और सन्नाटा यहाँ गलियों में, फिर भी इसमें ज़्यादा, हमारी में तो बड़ी रौनक है भाई, और बाहर रोड पे भी रौनक है, क्योंकि यहाँ गर्मी नहीं है, कपड़े पहनने में मज़ा आ रहा है यार। और कराची में तो बहुत बहुत गर्मी है, सब कराची वालों को भी यहाँ मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक, बल्कि सबको ही मुबारक, लेकिन कराची तो शहर है ना यार। हाँ मेरी अम्मी को, मेरे अब्बू को, सबको, बहन भाई सब तो वहीं है, कराची तो अपना शहर है। कौन, और मैं बच्चों को लेके निकल खड़ी हुई हूँ, सदर जा रहे हैं फूडी स्ट्रीट खाने पीने के लिए। ओ माय गॉड, तो तुम सामने बैठ जाओ ना यार। आ, मेरे पास
आस पास हम लोगों ने रिक्शा कर लिया है। पहले हम लोगों की प्लान थी कि हम लोग पहले हम लोगों का प्लान था प्लान कि हम लोग जो है ना बाहर चलते हैं कहीं, तो हमने ड्राइव की तो वो आ ही नहीं रही थी आज ही ये बहुत लोकेशन दूर की आ रही है, इस्लामाबाद से आना पड़ेगा मेरे पास ही आ जाओ। तो फिर हमने सोचा चलो छोड़ो यार रक्षा पकड़ो और सदन निकलो फटाफट, रात के टाइम चश्मे लगा लगा के बच्चे ईद मना रहे हैं। पहले हम और हमने सुबह से कुछ खाया भी नहीं। हाँ आज कुछ भी नहीं खाया हुआ। बर्गर आ गए सबके, गोलगप्पे ने मट गए और ईश्वर ने ले लिए मेरे लिए गजरे। ये पता है गुलाब की पत्ती हो गए ना बड़ी जल्दी झड़ जाते हैं यार। अरे बेटा तुम्हें कहाँ से आएंगे ये, एक गोलगप्पा पड़ा रह गया कोई नहीं छू रहा उसको। जोया भी हमारे साथ है, जोया भी घर में बोर हो रही थी और हंदला के पापा इसलिए यहाँ पे हमारे साथ नहीं है क्योंकि वो सो रहे थे, तो हमने सोचा चलो यार हम ही निकल पड़ते हैं, बच्चियाँ घर में बोर हो रही हैं, तो इसलिए हम लोग आ गए हैं और यहाँ बड़ा ही रौनक मेला लगा हुआ है। लोग आ रहे हैं खा रहे हैं पी रहे हैं सुकून से। यहाँ पे अंकल गजरे और बालों के गजरे मोती लड़ी यहाँ बेच रहे हैं, मोती क्या बोलते हैं इसको, मोतिया की लड़ी है। मैंने जब ले लिए फूल तो फिर ये बाबा मुझे दिखे, मैंने कहा लिए वो ईश्वर ने दिए मेरे लिए। चलो 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 हिंदा के साथ आना ना हर जगह पे, हिंदा सुनती नहीं। और भाई पिंडी में कोई ईद ऐसे जोरों शोर से मनाई जा रही है, रश जो है वो काफ़ी है और हम जा रहे हैं बस पान लेते हैं और घर की तरफ, ये हम यहाँ से निकल आए। भाई जो है ना ये मुझे पान खिलाने लेके जा रहे हैं, मतलब
और बोल रहे हैं कि ऐसा पान होगा कि पूरे कराची में नहीं खाया होगा। अभी चेक करते हैं खा के क्या सीन है। आंसू छुपाते फिरोगे, इतना याद आएंगे हम देख लेना, याद आएंगे। तो देखते हैं कराची से ज्यादा पूरे कराची में ऐसा पान नहीं है, ये वैसा पान खिलाने लेके जा रहे हैं। इतना हम याद आएंगे देख लेना। अरे हाय हाय आंसू दोबारा से यहाँ लेकर आ गए हैं। इन्होंने रोका है हबीब पान शॉप, अभी खा के देखते हैं। और जहाँ मुझे लेके जा रहे थे वो बॉबी पान शॉप थी। आप लोगों ने 10 दफा देखा है मैंने बॉबी पान पान से पान खाया, लेकिन वो जायका नहीं है। इसने शोर शराबा मचा के मम्मा चली चली शेर से। अब मैं खा के देखूंगी। देखती रह गई तेरी सहेली, ये वाली और ये हो सके तो मेरा एक काम कर दो, शाम का एक पहर मेरे नाम। ये भी वो मैंने ही पढ़ लिया था, आंसू छुपाते फिरोगे तुम, इतना हम याद आएंगे देख लेना। याद का दाल गायब हो गया इसलिए याद आएंगे। हो रहा है रक्षे वालों को छोड़ के चले गए और हमें 20 मिनट हो गए यार यहाँ खड़े खड़े। आ गया भाई, कुछ ज्यादा ही स्पेशल लग रहा है मुझे इतनी देर में आए। अब खा के देखेंगे और फिर बताते हैं कि पान कैसा था। और बस ये पान खुल गया है, मैं इसको खा के देखती हूँ कि कैसा है कैसा नहीं है, चेक करते। बड़ी देर में मिला है भाई। और इनका मीठा पान जो है वो 200 रुपीस का था। मीठा पान मैं तो खाती नहीं हूँ लेकिन बनाऊँगी भाई, वही इनकी वीडियो भी के 200 में क्या डाल के दे रहे हैं। ये सब्सक्राइबर की भी जो हमारी सेलिब्रेशन रह गई थी, हमने सोचा आज ईद के दिन ही कर लेते हैं अपनी ये सेलिब्रेशन भी। और ये मेरे नए मेहमान जो है बड़े बेचैन है भाई, ये बहुत बेचैन। एक तो है मेरे साथ मौजूद, तो हमने सोचा चलो यार ये हम अपनी 1K की सेलिब्रेशन आज कर लेते हैं, साथ साथ ईद के साथ ये भी हो जाए। और मैं ये जला लेती हूँ भाई, छुरी काहे के लिए, वो तो दे दो आपके पास ही तो थी। मम्मा डर गए ना, वो हमारे पास आएंगे सीधा। तो हम ये भी जला लेते हैं। चल भाई, हैप्पी 1K सेलिब्रेशन, हैप्पी 1K। और ये कट हो गया है। और हिंजा को ज्यादा जाता है भाई इसका, हिंजा मेरे साथ बहुत वीडियोस बनाती है हिंजा। और हिंजा बहुत बोलती थी सब्सक्राइब करो चैनल को, सब्सक्राइब करो। मम्मा को कौन खिलाएगा? तो चलें जी, इसी के साथ इस वीडियो का करते हैं एंड। मिलते हैं आप लोगों से कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहें, बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं। अल्लाह हाफिज़।